नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भगवान पशुपतिनाथ के दरबार की। आज पवित्र सावन माह का दूसरा सोमवार है और ये तस्वीरें जो कि अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार की है, विश्व प्रसिद्ध यह अद्भुत प्रतिमा है। भगवान पशुपतिनाथ का सावन माह में भक्तगण पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं और देखिए कितना नयनाभिराम श्रृंगार जो है भगवान पशुपतिनाथ का आज इस मौके पर किया गया है। क्योंकि पवित्र सावन माह है और इस सावन माह में भक्तगण भगवान शिव की जो है पूरे श्रद्धा भाव के साथ विशेष पूजा अर्चना करते हैं। और क्योंकि माना जाता है कि अगर भगवान शिव को सावन माह में अगर प्रसन्न किया जाता है तो आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है, तो ऐसे में लाजमी है कि भगवान पशुपतिनाथ के इस दरबार में भक्तों की भीड़ और भक्तों की श्रद्धा जरूर होगी। सावन माह का ये दूसरा सोमवार है और सुबह से ही मंदिर के जो है पट खोल दिए गए थे, जिसके बाद से भक्तों का लगातार आ जाना है। सुबह यहाँ पर आरती का दौर है, श्रृंगार का दौर लगातार जारी है, लेकिन खास बात यह है कि कोरोना के चलते कहीं ना कहीं भक्त और भगवान की दूरी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, तो केवल मंदिर गर्भगृह में जहाँ पहले भक्तगण जो है बड़े आसानी से दर्शन लाभ कर सकते थे, लेकिन कोरोना के चलते कहीं ना कहीं दूरी बढ़ी है और अब मंदिर गर्भगृह में पूजा अर्चना, जलाभिषेक, तमाम तरह के जो कार्य है भगवान शिव की पूजा अर्चना के, वे केवल मंदिर पुजारी ही कर पा रहे हैं और भक्तों को जो है दूर से दर्शन लाभ की सुविधा यहाँ पर दी गई है। इससे पहले भक्तों को जो है मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए कोरोना नियमों और सावधानियों का पालन करते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश करना पड़ता है, जिसके बाद भक्तगण जो है मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं और दूर से ही भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन लाभ कर सकते हैं। किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर फिलहाल चल रही है और आज का विशेष दिन है, सावन का दूसरा सोमवार है, तो ऐसे में किस तरीके की पूजा अर्चना यहाँ पर हुई थी, उस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी जी। पुजारी जी, किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है और क्या कुछ माहौल है? आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, आज के दिन प्रातः काल से लेकर के काफी दर्शनार्थी पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन करके धर्म लाभ ले रहे हैं। क्योंकि अभी कोरोना महामारी काफी फैल रही है, इसको देखते हुए दर्शनार्थी से भी निवेदन है कि वो अपने घरों में, छोटे मंदिरों में भगवान शिव की आराधना कर, भगवान के मस्तक पर जल, दूध, पुष्प, बेलपत्र, पुष्पमाला और आंकड़े का पुष्प चढ़ाने से भगवान महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और सब इच्छाएं आकांक्षा पूर्ण होती है। जो कन्याएं होती है उनको मन चाह वर मिलता है, वृद्धजन होते हैं दीर्घायु होते हैं चिरायु होते हैं, समस्त की इच्छाएं पूर्ण होती है। चूंकि आज श्रावण सोमवार है, श्रावण सोमवार दिन भगवान महादेव जी की पूजा करने से भगवान महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और मन चाह बल फल प्राप्त होता है। अभी कोरोना महामारी काफी फैल रही है, इसको देखते हुए घर में बैठ करके महादेव जी का जप, आराधना, पूजा, आराधना करने से जो लाभ की प्राप्ति होती है और बड़े मंदिर पर जाकर भगवान का दर्शन करके वही धर्म लाभ प्राप्त होता है। जो आज काफी दर्शनार्थी पशुपतिनाथ दर्शन करने पधार रहे हैं और चूंकि महामारी के कारण से मंदिर के बाहर से व्यवस्था कर रखी है, भगवान पशुपतिनाथ जी का बाहर से दर्शन करके दर्शनार्थी धर्म लाभ ले रहे हैं। चूंकि कोरोना के कारण जो है भक्त और भगवान की दूरियां बढ़ी है, तो ऐसे में किस तरीके की विशेष जो है पूजा अर्चना अगर ऐसे समय में अगर भक्त कराना चाहता है तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई? इसके लिए हमने मंदिर समिति के द्वारा, ब्राह्मण पुजारी के द्वारा ही पूजा संपन्न करी जाएगी। भक्त के नाम से भगवान पशुपतिनाथ जी के मस्तक पर अभिषेक, जलाभिषेक, पुष्प बिलपत्र पुजारी के द्वारा ही अर्पण किए जाएंगे। क्योंकि अभी कोरोना महामारी काफी फैल रही है, इसको समाप्त करने के लिए भगवान से विशेष प्रार्थना की जा रही है, जप किए जा रहे हैं, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, अभिषेक किए जा रहे हैं कि हे प्रभु जल्दी जल्दी कोरोना महामारी समाप्त हो और जल्दी जल्दी दर्शनार्थियों को धर्म लाभ मिले। कैसा होने वाला है पूरा सावन का महीना आगे के? भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, कोरोना महामारी समाप्त हो जाती तो फिर दर्शनार्थी आगे समय में आराम से दर्शन कर सकेंगे, धर्म लाभ ले सकेंगे। चूंकि श्रावण मास अभी का भी है, कोरोना महामारी जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये मंदिर पुजारी थे जिनको साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से भक्तगण जो है पूजा अर्चना कर पा रहे हैं, और खास तौर पर यहाँ पर जो है मंदिर में सारे अनुष्ठान पूजा अर्चना इस बात के भी हो रहे हैं, यह भी मनोकामना की जा रही है कि जल्द से जल्द भारत देश को जो है और पूरे विश्व को जो है कोरोना संकट से जो है निजात मिले। कुछ भक्तगण भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वे कैसा जो है अभी फिलहाल व्यक्त कर रहे हैं। बताएं, आप बताएं। बहुत अच्छा माहौल है, सावन सोमवार है आज, पब्लिक कोरोना महामारी की वजह से कम आ रही है और व्यवस्था और दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। मंदिर प्रबंध समिति ने व्यवस्था और दर्शन बहुत बढ़िया किया है। पूरे सावन में जो पहले का नजारा होता था वो काफी अलग होता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ी हैं दर्शन लाभ। बीमारी की वजह से ये समस्या आ रही है, काफी कम जनता आ पा रही है, आसपास क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं, बीमारी की वजह से डर पब्लिक में है। बाकी दर्शन और सब व्यवस्थित है, अभिषेक नहीं हो पा रहे हैं, जल दूध नहीं चढ़ा पा रहे हैं, सिर्फ दर्शन ही कर पा रहे हैं। चलिए, तो ये भक्तों का भी साफ कहना है कि दर्शन लाभ हो पा रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से अभिषेक पूजा अर्चना ये तमाम कार्य जो नहीं हो पा रहे। चलिए, अब मंदिर परिसर का कुछ नजारा है हम आपको दिखाते हैं किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए, ये जो मेन परिसर है, गर्भगृह है, मंदिर की प्रतिमा के आसपास का जो इलाका है वहां पर किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई और किस तरीके से देखिए दूर से जो भक्तगण है बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, चाक चौबंद है, भक्तों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए उन्हें दर्शन लाभ की सुविधा दी गई है। और मंदिर परिसर में किसी तरीके से भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां ना उड़े, उसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। और देखिए किस तरीके से भक्तगण जो है दूर से ही बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं, और साफ जो है यह देखा जा रहा है कि भगवान से जो है मनोकामना यही की जा रही है कि अच्छी वर्षा हो, इसके साथ ही कोरोना संकट से जल्द निजात मिले, ताकि वे बहुत जल्द ही भगवान पशुपतिनाथ को जलाभिषेक कर सके, उनका अभिषेक कर सके और काफी करीब से पहले की तरह जो है तमाम सारी व्यवस्था हो सके और दर्शन लाभ की सुविधा मिल सके। क्योंकि पहले के नजारे में कहीं ना कहीं काफी अलग है, ये बैरिकेड्स के जो स्थान है, जो मंदिर परिसर है, काफी भरा भरा हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना संकट ने, कोरोना काल ने इस तरीके की ये व्यवस्था की है जिससे कि भक्तगण जो है काफी दूर से भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मंदिर परिसर के ये अलग नजारे हैं, नंदी महाराज की भी यहाँ पर जो है विशेष पूजा अर्चना की कर रहे हैं, और देखिए उन्हें भी बेल पत्र चढ़ाए जा रहे हैं, उनसे भी मनोकामनाएं की जा रही है। तो ये भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के नजारे हैं, मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के नजारे हैं, जो कि आज सावन के दूसरे सोमवार पर देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से भक्तगण जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान पशुपतिनाथ से दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित ही कोरोना समय ने कहीं ना कहीं काफी इस संकट की घड़ी ने भक्तों और भगवान की दूरियां बढ़ाई, और लेकिन निश्चित तौर पर भक्तों में पूरी श्रद्धा है और उसी श्रद्धा भाव के साथ लाख दूर से ही सही लेकिन दरबार में पहुंचकर भक्तगण जो है भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मंदसौर जिले की यदि बात करी जाए तो मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा जिले के और भी तमाम शिवालयों में जो है भक्तों की ये भीड़ है और पूरे नियमों के साथ भक्त जो है भगवान शिव के दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना प्राप्त कर पा रहे हैं। कैमरामैन नीरज सेन के साथ देवेंद्र मोड, डिजियाना न्यूज मंदसौर।